जार इज रेडी। अब मैं तुमको दिखाती हूँ कितना गंदा रोड है ये। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ एप्पल पिकल, विच इज़ न्यू फॉर मी। एंड ये देखिए, इसमें मैंने एप्पल, अदरक और लहसुन को बस काट के रख दिया हुआ है। अब मैं इसको माइक्रोवेव करूँगी फॉर 1 आवर। तो ये हो गया है ऑलमोस्ट रेडी। अब मुझे बीच में ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा मसाले तो नहीं चले गए। तो इसमें गया है क्या क्या गया था, इसमें गया है अदरक, लहसुन और सेब और मिर्च और थोड़ा सा जो भी नींबू मैंने रस डाला तो उसका जो छिलका है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, बहुत पतले पतले काट के डाले। तो बेसिकली ये मिक्स बनाना तो मैं चाहती थी सेब का, मेनली तो सेब ही है इसमें, पर मैंने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें डाल दी सो फ्लेवर अच्छा है। अब मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी अपने पुराने वाले अचार में। ये जो आपको दिख रहा है ये अचार का ही कंटेनर है, जो कि लास्ट टाइम मैंने बनाया था, एक महीने भी नहीं टिका हुआ। और इसमें ये जो दिख रहा है आपको, ये मैंने नींबू का रस डाला हुआ। हेलो एवरीबॉडी, आई एम एट राइट नाउ एट सोइल विलेज। मैनी ऑफ यू हैव explored this side of soil because of cafe and whatever it is. Today we are going to explore this side and see what is there. उस पहाड़ के पीछे क्या है वो देखने जाते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको दिखाते हैं यार यहाँ की why मनाली is famous for. Because पता है क्या सीन होता है मनाली का, क्या सीन है, आप लोग जब भी आते हो हमेशा माल रोड देखते हो, है ना, थोड़ी पूरी आगे की जोगनी फॉल एंड ऑल देखते हो। ये कुछ हिडन जेम्स है जो कि बहुत मस्त है। आप आसपास के पहाड़ देख लो, शांति, अगर आपको शांति चाहिए, है ना, एक मस्त हॉलीडे चाहिए, यू कैन विजिट हियर। इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश सोइल विलेज। यहाँ तो आप लोग काफ़ी बार जा चुके होंगे कुछ लोग, क्योंकि थोड़ा पूरा अब ये एक्सप्लोर हो चुका है, बट ये साइड हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया ना, मैंने, मेरा खुद का गांव है ये, बट मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। लेट्स सी। अच्छा गिरेगी, बाप रे, रेंदे रेंदे रेंदे, या तो रहने देते, या तो यहाँ से कर सकती है तो यहाँ से कर ले, पैर गीले होंगे। मैं कैसे आऊँ, हाथ से नहीं होगा, यहाँ से आ सकती हूँ मैं। यार जूता गीला हो गया आशी का, बट मैं तुमको, मैं क्या बोलूँ, ऊपर जाके तो कुछ खास है ही नहीं। यहाँ देखो, पर नेचर देखो तुम लोग, रुको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। यार अब थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठेंगे। यहाँ के लोग देखो कितने मेहनती है, अरम्बिले। यहाँ के लोग कितने मेहनती है, परे भी दिख रहे हैं मुझे लकड़ी लाते हुए, और ये भी अंकल गए लकड़ी लाते हुए, एक कुल्हाड़ी लेके गए थे मस्त। अब पता नहीं कितना जाना होगा इनको नीचे, एक तो क्योंकि गांव बहुत दूर है ना। अभी से आगे नॉर्मल, मतलब ऐसे प्रॉपर रास्ता नहीं है, यहाँ तक ऐसे था कि प्रॉपर रास्ता था, फिर भी इससे आगे तो कुछ भी नहीं है इतना।
इसीलिए हम लोग यहाँ पे रेस्ट करके थोड़ी देर में जाएंगे। और अभी हम गिट्टियाँ ले जा रहे हैं घर को ताकि हम लोग मैच खेल सकें। यू नो वॉट गाइज, अगर तुमको शांति में रहना है तुम आ सकते हो इस साइड, बट ऐसा कुछ खास है नहीं यहाँ पे कि अगर तुमको लग रहा है कि कोई दुकानें हैं या कुछ भी है तो नहीं है। बस तुम लोग यहाँ पे आराम से पार्टी कर सकते हो, पर शाम को तुमको जाना पड़ेगा टाइमली घर को। हमको 1 किलोमीटर लग गया है ना ऑलमोस्ट चलते चलते उस डाइवर्जन से। पहले तो जैसे तैसे हमने परे से क्रॉस कर लिया, पर वो बहुत ही चौड़ा था रास्ता और आशी का तो पैर भी पूरा भीग गया है पानी से। तो अब हम क्या करें, नया रास्ता बना रहे हैं। कुछ पत्थर तो यहाँ पहले से है, अब क्या करेंगे, हम ये पत्थर लेंगे और वहाँ पे रख देंगे। रुक जा, अभी मैं पहले चले जाऊं। ये लो आशी ने भी क्रॉस कर लिया यार, गुड आइडिया आशी, आशी का आइडिया था ये। और अब मैं तुमको दिखाती हूँ कितना गंदा रोड है ये। अभी तो फिर भी ठीक है, बरसात में तो भाई साहब बहुत कीचड़ होगा यहाँ पे। ये देखो ये छोटे बच्चे हमेशा इतना तेज क्यों होता है भागने में, इतनी जल्दी आगे पहुंच गई और मैं आराम आराम से आ रही हूँ। आशी, तो मैं इस गंदे रास्ते की बात कर रही थी। और यहाँ पे अगर आप नॉर्मल स्लीपर, नॉर्मल शूज, फ्लैट शूज पहन के आओगे तो दिक्कत आएगी आपको। मेरे से अच्छे बाल तो सच्ची में ना, इनके बाल देख, पीछे से पूंछ देख इनकी, ये काट इसी में लटका ऐसा लग रहा है अभी रिबॉन्डिंग कराया हुआ है। हाँ, घने घने से बाल, ये सॉफ्ट लग रहा है। बैठ सकते हैं। कि तुमने क्या ये गिट्टू खेला है कभी? अभी मैं और मेरी बहन खेल रहे हैं गिट्टू, जो कि इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, स्टोन गेम बोलते होंगे, आई डोंट नो। तो सबसे पहले गिट्टू दीदी, गिट्टू गिट्टू गिट्टू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, टॉस करेंगे, हम हिंदी बोलते हैं पुगाटा करेंगे, हम पुगाटे। कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, ठीक है? और पुगाटा कैसे होगा, ऐसे ऐसे करके 1 2 3 प्लीज। एक ही आया यार। अब मैं बहुत अच्छी हूँ, थप्पा नहीं इसमें होता है। हाँ, एक में होता है थप्पा। जीरो। अब है मेरी फर्स्ट गेम। अब ग्राउंड को दिखाई आशी, ठीक है? अब है मेरी फर्स्ट गेम, वीडियो ऑन कर देना, अब मैं आउट होंगी पक्का मुझे। ये है मेरी सेकंड गेम, ये है मेरी थर्ड गेम, फोर्थ गेम थोड़ी सी प्लीज आ गई। अब कितने का मैच लगा रहे हैं आशी हम? 100 का। और एक पत्थर का कितना पॉइंट है? एक, बाप रे, पहले 500 में आती हुई थी उस दिन यार। आप लोगों ने 1000 का किया था।
गर्ल गर्ल ऐसी बात नहीं है, आ रहा है खेलना तो हमें यार। ये वाला जो पत्थर है ना ये बहुत स्मूथ है, ये फिसल रहा है आज से, पता है। दूसरा वाला गुम हो गया बेटे। नहीं यार यही तो फन है, तभी तो आउट होंगे। क्यों यार सारे ऐसे आए हुए हैं, क्या करूं मैं, तीन उठाना है और एक उठाना है, बता आशी। मैं क्या, मैं ये वाले ये तीन ये उठाती मेरा कहा सच हुआ। जल्दी आउट हो जाओ। बट सो अब ओम अटक मटक डाम डिस्क। कितना हुआ पता नहीं, भूल गई नंबर। नाउ माय सेकंड गेम। ओ भाई फंसी फंसी, मेरे से ना नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। काला वाला उठा चाहिए था। बच गई वे। अब ये तीन, ये तो यार बड़े बने हुए से आए हैं। अब एक आजा 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 प्लीज आजा आजा आजा। आ गया। लालच बुरी बला नहीं है, बुरी बला। बारह पहला है अभी याशिका फर्स्ट गेम। ओम भट्ट सा, ओम भट्ट सा। ओम भट्ट सा काम है, ओम भट्ट सा। अब तुमको अपडेट कराते रहेंगे हम, ठीक है। अब हम तुमको अपडेट कराते रहेंगे, अब हम फोकस करते हैं अपने गेम पे, फिर तुमको बताएंगे कौन जीता, ठीक है। विनर गोज टू मी। अभी अभी सौ हुए पर आशी ने भी स्पिरिट नहीं छोड़ी अपनी, और 30 और 100 के आंकड़े से हम लोग जीते हुए।